और प्रयागराज से बड़ी खबर मिल रही है, सांसद रीता बहुगुणा जोशी भी अब मदद के लिए आगे आ गई हैं। कोविड 19 की रोकथाम के लिए 1 करोड़ की मदद उनकी तरफ से दी जा रही है। सांसद निधि से पीएम राहत कोष में देने का ऐलान किया है। पहले भी 15 लाख रुपए की मदद कर चुकी हैं सांसद, 1 महीने की तनख्वाह का भी सहयोग कर चुकी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद रीता बहुगुणा जोशी अब आगे आई हैं मदद के लिए और सांसद निधि में से 1 करोड़ रुपए पीएम राहत कोष में दे रही हैं मदद के स्वरूप। इससे पहले भी 15 लाख रुपए की मदद वो कर चुकी हैं और अपनी 1 महीने की तनख्वाह यानी सैलरी भी दे चुकी हैं। तो पूरे देश भर से मदद के लिए हाथ जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और प्रयागराज से बड़ी खबर मिल रही है, सांसद रीता बहुगुणा जोशी भी अब मदद के लिए आगे आ गई हैं। कोविड 19 की रोकथाम के लिए 1 करोड़ की मदद उनकी तरफ से दी जा रही है। सांसद निधि से पीएम राहत कोष में देने का ऐलान किया है। पहले भी 15 लाख रुपए की मदद कर चुकी हैं सांसद, 1 महीने की तनख्वाह का भी सहयोग कर चुकी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद रीता बहुगुणा जोशी अब आगे आई हैं मदद के लिए और सांसद निधि में से 1 करोड़ रुपए पीएम राहत कोष में दे रही हैं मदद के स्वरूप। इससे पहले भी 15 लाख रुपए की मदद वो कर चुकी हैं और अपनी 1 महीने की तनख्वाह यानी सैलरी भी दे चुकी हैं। तो पूरे देश भर से मदद के लिए हाथ जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और प्रयागराज से बड़ी खबर मिल रही है, सांसद रीता बहुगुणा जोशी भी अब मदद के लिए आगे आ गई हैं। कोविड 19 की रोकथाम के लिए 1 करोड़ की मदद उनकी तरफ से दी जा रही है। सांसद निधि से पीएम राहत कोष में देने का ऐलान किया है। पहले भी 15 लाख रुपए की मदद कर चुकी हैं सांसद, 1 महीने की तनख्वाह का भी सहयोग कर चुकी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद रीता बहुगुणा जोशी अब आगे आई हैं मदद के लिए और सांसद निधि में से 1 करोड़ रुपए पीएम राहत कोष में दे रही हैं मदद के स्वरूप। इससे पहले भी 15 लाख रुपए की मदद वो कर चुकी हैं और अपनी 1 महीने की तनख्वाह यानी सैलरी भी दे चुकी हैं। तो पूरे देश भर से मदद के लिए हाथ जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और प्रयागराज से बड़ी खबर मिल रही है, सांसद रीता बहुगुणा जोशी भी अब मदद के लिए आगे आ गई हैं। कोविड 19 की रोकथाम के लिए 1 करोड़ की मदद उनकी तरफ से दी जा रही है। सांसद निधि से पीएम राहत कोष में देने का ऐलान किया है। पहले भी 15 लाख रुपए की मदद कर चुकी हैं सांसद, 1 महीने की तनख्वाह का भी सहयोग कर चुकी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद रीता बहुगुणा जोशी अब आगे आई हैं मदद के लिए और सांसद निधि में से 1 करोड़ रुपए पीएम राहत कोष में दे रही हैं मदद के स्वरूप। इससे पहले भी 15 लाख रुपए की मदद वो कर चुकी हैं और अपनी 1 महीने की तनख्वाह यानी सैलरी भी दे चुकी हैं। तो पूरे देश भर से मदद के लिए हाथ जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और प्रयागराज से बड़ी खबर मिल रही है, सांसद रीता बहुगुणा जोशी भी अब मदद के लिए आगे आ गई हैं। कोविड 19 की रोकथाम के लिए 1 करोड़ की मदद उनकी तरफ से दी जा रही है। सांसद निधि से पीएम राहत कोष में देने का ऐलान किया है। पहले भी 15 लाख रुपए की मदद कर चुकी हैं सांसद, 1 महीने की तनख्वाह का भी सहयोग कर चुकी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद रीता बहुगुणा जोशी अब आगे आई हैं मदद के लिए और सांसद निधि में से 1 करोड़ रुपए पीएम राहत कोष में दे रही हैं मदद के स्वरूप। इससे पहले भी 15 लाख रुपए की मदद वो कर चुकी हैं और अपनी 1 महीने की तनख्वाह यानी सैलरी भी दे चुकी हैं। तो पूरे देश भर से मदद के लिए हाथ जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं।